अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जो है ना, अभी शाम का टाइम है और कल का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं जो क्या कहते हैं कि लेमन चिकन है वो बना रही हूँ। तो लेमन चिकन ना रात को खाया था, जो खाया था फिर उसके बाद ना खाने को दिल ही नहीं किया। तो आज फिर मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा सा आलू मटर का सालन भी पड़ा हुआ था और थोड़ा सा जो लेमन चिकन का सालन है वो भी था। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे करती हूँ कि मसाला लेफ़्ट ओवर को ना यूज़ करते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं। तो फिर मैंने अनियन जो है, अनियन और गार्लिक जो है उनको फ्राई किया है और उसके अंदर ये दोनों सालन जो है वो डाल दिए। और अभी इनको मैं बस थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और ग्रीन चिली इस तरह से काट के दो डाली हैं, टमाटर डाले हैं दो। तो ये मसाला जो है वो बन गया है और राइस जो है ना, मैंने यहाँ पर दो नस्ली राइस हैं क्योंकि राइस ख़त्म हो गए हुए थे और इसमें से आधे राइस जो है वो हैं जो छोटा वाला राइस नहीं होता, तो जो मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, आधे राइस वो हैं और आधे राइस जो पूनम के होते हैं लाइक ब्लू वाला पैकेट होता है वो हैं। अजान हो रही है तो फिर बाद में बात करते हैं। यहाँ पर है ये रायता जो है ना, वो रेड लिया था, उसका क्या नाम है, उसका नेस्ले वालों का। तो उसमें मैंने थोड़ी सी और योगर्ट मिक्स की है और अनियन जो है वो चॉप किए हैं। और यहाँ पर हमारे जो रंग बिरंगे से राइस हैं, पुलाव है, वो हो गया रेडी, क्योंकि ये एक और तरह के राइस थे और एक और तरह के, लेकिन अच्छा बने, लेकिन फिर भी अच्छा बना उस तरह से, जिस तरह मुझे था ना कि बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी या ख़राब होगा, उस तरह नहीं हुआ, बहुत अच्छा बना है। तो अभी हम खाते हैं खाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, अभी देखिए लाइट्स भी ऑन है। तो रात को खाना खाने के बाद फिर काम में इतना मसरूफ़ हो गया ना कि फिर कोई भी व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरी आँख खुली है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। और मौसम इतना अच्छा है, मैंने कहा बाहर जाके देखते हैं कि अभी कैसा मौसम है, गर्मी गर्मी तो नहीं हो गई, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा प्यारा सा जो है ना वो, और बादल भी आप देखें कि अच्छे खासे बादल हैं आज। हो सकता है कि बारिश हो, अगर ये बादल इसी तरह रहे तो हो सकता है कि बारिश हो। अभी सारी लाइट्स ऑन है। और मुझे याद आया, ये देखें हवा चलती है ना तो ये भी ऐसे गिरा पड़ा, उल्टा हुआ पड़ा है। मुझे याद आया कि इनको मैंने कितने दिन हो गए पानी नहीं दिया, तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए होंगे इसको मैंने पानी नहीं दिया। इसको पानी इतना ज़रूरत तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना जो है ना इसको पानी देती होती हूँ। मसरूफियत और तबीयत की ख़राबी, कुछ तबीयत अजीब सी हो जाती है अचानक से, पता ही नहीं चलता, तो उसमें ना बंदे को ये चीज़ें याद ही नहीं रहती करने वाली। वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। और ये गार्बेज मैंने निकाल के रखा है और ये मैंने पहले ना इसको फेंक देते हैं। चलें जी, गार्बेज हमने फेंक दिया है। और था कुछ सौदा, ये मैंने आटा मंगवाया, ये वाला आटा है जो बहुत अच्छा है और इसकी जो रोटियां हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके अलावा ये वाले राइस, क्योंकि ये अच्छे थे, नॉट बैड, इतने भी वो नहीं थे, बहुत ज़्यादा लंबे जो है ना वो बस नहीं होते। थोड़े से बादाम मंगवाएं क्योंकि ज़ुकाम और खांसी और गला ख़राबी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा, तो इसको ना मैं थोड़ा सा एक इसकी एक तरह की रेमेडी है वो मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी कि वो मुझे अम्मी ने बताई कि वो पियो, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है जब हम ज़ुकाम की दवाइयाँ लेते हैं। जब भी हमें फ्लू होता है तो हम ना बहुत ज़्यादा ड्राई करने वाली जो है ना वो मेडिसिन लेते हैं। तो अम्मी कह रही हैं कि शायद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई जिसकी वजह से बार बार फ्लू हो रहा है। तो ये मंगवाएं थोड़े से, आज बनेंगे दाल और कद्दू शाम को। अभी पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन और आज इस स्टोव को क्लीन करना है, ये बहुत गंदा हो गया, इसका ये चेंज करती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ सारा अच्छी तरह। देखें किस हद तक जो है ना वो गंदा हुआ है और ये भी सारा, तो इनको काफ़ी दिन से जो है ना मैंने साफ़ नहीं किया, अपनी तबीयत भी कुछ ऐसी थी और कुछ जो है ना मसरूफियत भी थी, घर को जो है ना वो सेट कर रही थी मैं। तो अभी इसको करते हैं क्लीन सारा, ये देखें रब कर करके इसको ना क्लीन करना पड़ेगा, बहुत थकावट वाला काम है लेकिन करना ज़रूर है आज।
क्योंकि इस तरह फिर अगर मैं एक दो दिन और छोड़ दूँगी इसको तो फिर कॉकरोच दोबारा से जो है ना वो घर में आ जाएंगे। तो अभी पहले इसको फेंकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह रब करके जो है ना क्लीन कर लिया है, और इधर बस ये वाली चीज़ें हैं। इसको अभी थोड़ी देर के बाद करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी बस मैं जा रही हूँ रूम में। इसको ऐसे गीला करके ना इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ, उनको भी गीला कर देती हूँ। वैसे इसको मैंने डिप करके रखना है आधे घंटे के लिए अभी, क्योंकि टाइम नहीं है तो अभी आधे घंटे के लिए ही रखूँगी, खाना भी बनाना है। और इसको इसी तरह गीला बस मैंने छोड़ दिया है, तो ये थोड़ी देर के बाद जो है ना ज़रा इनका ये सारा नरम हो जाएगा, फिर आके तो मैं इनको क्लीन कर दूँगी। सांस भी चढ़ गई है, बर्तन वगैरह धो दिए थे और अभी बस जाती हूँ रूम में जी। तो इनको मैंने वॉश कर लिया है, और हाथों की जो है ना मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है, नेल्स में जो है ना ये ब्लैक ब्लैक नहीं उतरता इनसे, तो वो सारा नेल्स के अंदर फंस गया है बिल्कुल। साफ़ तो मैंने बहुत किया लेकिन नहीं हो रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लीन होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है क्लीन, और इनको ड्राई करती हूँ, और इस पर पहले फॉइल बिछा लेती हूँ, फिर उसके बाद ये ऊपर रख देती हूँ। चलें जी, इसको हमने चमका लिया है बिल्कुल, और बिल्कुल इस पर मैंने फॉइल वगैरह बिछा के इसको सारा क्लीन कर दिया। और अब हम ना इस का बेड़ा गर्क करते हैं इस पे खाना बना के। तो अभी क्योंकि अभी जब खाना बनेगा ना तो दोबारा से ये गंदा हो जाएगा, फिर इसको रात को क्लीन करके फिर सोऊंगी। दाल मैंने यहाँ भिगो दी है, और अभी पहले मैं गूंदी हूँ आटा, क्योंकि पहले आटा गूंदा हुआ होगा तो वो थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा इतनी देर में, जितनी देर में सालन बनेगा तो फिर रोटियाँ भी साथ ही साथ जो है ना वो बन जाएंगी। आटा मैंने गूंद लिया है, और अब बनाते हैं खाना। यहाँ मैंने अनियन जो है वो चॉप, अनियन और जिंजर गार्लिक इस तरह से चॉप करके डाला है, और एक वो उसका पीस ऐसे ही रह गया। अब इसमें ऑयल डाल दिया मैंने, कहा सब छोड़ो उसको। और यहाँ पर है कद्दू, जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में की शेप में कट किया है, और दाल तो पहले ही भिगो दी थी, अभी इनको करती हूँ फ्राई। अच्छा, ये मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने प्रेशर कुकर में बनाए थे कद्दू, दाल कद्दू, तो मुझे कमेंट आया था कि आप दाल कद्दू बना रही हैं कि आप पाए बना रही हैं। तो असल में ये जो कद्दू होते हैं ना, ये अच्छे तरीके से ऐसे गलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गैस यूज़ होती है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी से जो है ना वो बन जाते हैं, और फिर इतना ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, भूख लगी हो तो जल्दी जल्दी खाना जो है वो रेडी हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने मसाला बनाया है, और मसाला बनाने के बाद इसमें मैंने कद्दू भी डाल दिए हैं और दाल भी डाल दी है। अभी हल्का सा इसको बस मैंने थोड़ा सा ऐसे फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा, और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और प्रेशर लगा दूंगी, और साथ ही फिर रोटियां बना लेती हूँ ताकि देर ना हो, फिर खाना जो है वो हमारा हो जाएगा रेडी। खाना हो गया रेडी, मैंने बनाए हैं दाल और कद्दू, और बड़ा मज़ेदार किस्म का लग रहा है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया है, तो अभी इसको खाते हैं बस, फिर सही से जो रिव्यू है तो वो तो हस्बैंड ही देते होते हैं जी। तो खाना वगैरह खाने के बाद किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया, बर्तन धो दिए, और स्टोव भी माशाल्लाह से क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि जब नया नया ये फॉइल लगाया हो ना तो उसके बाद बिल्कुल भी ज़रा भी दिल नहीं चाहता कि एक कतरा भी इसके ऊपर गिरे। अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा बाहर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे बस वॉक करनी है, दिल चाह रहा है थोड़ा सा वॉक करने को, और थोड़ा सा कुछ ले कर भी आएँगे, अगर मूड हुआ तो कुछ ले आएँगे। आ जाए इशार काम बेटा जी। ये देखें बादलों की हालत, समझ भी नहीं आ रही होगी वैसे, हाँ आ तो रही है, आ रही है, हाँ बहुत ज्यादा बादल है, और हल्की बूंदाबांदी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, बड़ा प्यारा सा मौसम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम। बाहर निकले ना, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, हाँ बहरिया में स्पेशली मैंने बहुत देखा है कि बहरिया में ना बहुत ठंडी ठंडी और तेज़ हवा चल, हाँ क्लिफ्टन में बहुत ज़्यादा, हाँ क्लिफ्टन में बहुत ज़्यादा होती है,